बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ट्विस्टेड लाइफ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है नाइट सूट, जो कि मैंने मंगाया था चकोर से। काफ़ी मैंने इनकी हाइप सुनी थी तो मैंने कहा चलो ट्राई किया जाए। सही ना, इसकी क्वालिटी और प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और इनकी जो 7 डे रिटर्न पॉलिसी है वो मैंने इस वीडियो में पूरी एक्सपीरियंस की, इसके वजह से मुझे काफ़ी टाइम भी लगा। तो चलिए पहले वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ड्रेस मंगाया, ठीक है, और मैंने इनको लिखा कि भाई मुझे ये 7 डे जो रिटर्न पॉलिसी है मुझे इसके मुताबिक वापस करना है। ये मैंने रेड कलर का ड्रेस मंगाया था। और सबसे पहले मैंने कॉल करी थी इनको, ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि आप हमारे व्हाट्सएप पर जाएँ और आप अपनी कंप्लेन लिखें, अपना जो भी जो पार्सल नंबर है वो लिखें और आपको जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। फिर व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझसे मेरे मसला पूछा कि अगर आप हमें बता सकें कोई मसला हम सही कर सकें। तो चूंकि मुझे रिटर्न पॉलिसी चेक करनी थी इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे रिफ़ंड ही चाहिए, सही है ना। तो उन्होंने मुझे रिफ़ंड कर दिया क्योंकि मेरा आर्म होल छोटा भी था, ये बात भी थी मेरे साथ, ठीक है, आर्म होल छोटा आ गया था, मैंने साइज़ छोटा ले लिया था गलती से। उसके बाद यार इन बंदे ने मुझे पूरी डिटेल सेंड करी कि आप कुरियर किस तरीके से करें हमें और किस किस तरीके से, लाइक बहुत डिटेल में, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इनको ये भी लिखा है ट्रस्ट अकोर्स मुझे ब्लॉक नहीं कर देगा पहले पार्सल भेजने पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे रिटर्न कर दिए थे, मेरे पैसे रिफ़ंड कर दिए थे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब ये तो हो गया इनकी 7 डे रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी का एक्सपीरियंस मेरा। अब मैंने उसके बाद दोबारा से नाइट सूट ऑर्डर किया, चकोर्स की वेबसाइट पे गई, थोड़े से इनके रिव्यूज़ वगैरह चेक किए कि क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है और क्या चीज़, और मुझे थोड़ी सी ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि लाउंज वेयर भी हो ना, यानी नाइट सूट ना हो खाली मैं पहन सकूँ लाउंज में भी, फैमिली के सामने भी, ठीक है। तो वैरायटी तो मुझे इनकी वेबसाइट पे काफ़ी नज़र आई, लेकिन मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा लाउंज वेयर के हिसाब से और नाइट सूट के हिसाब से भी, ठीक है। तो हम चले गए भाई इनकी वेबसाइट पर। अच्छा, वहाँ पर बड़े अच्छे सेक्शंस बने हुए हैं कि सिल्क इंटरमेट्स और नाइट वेयर और अंडर गारमेंट्स और एरोबिक्स और न्यू अराइवल्स वगैरह, बहुत अच्छी यानी वो बनी हुई है ना पूरी कैटेगरीज। खैर, हमने नाइट सूट पे क्लिक किया और बहुत सारे नाइट सूट हमारे सामने आ गए, ज़रा वैसे वैसे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कपल्स के लिए भी काफ़ी चॉइस है, ठीक है ना, सीन ऑन है कपल्स का। खैर, मैं अपने नाइट सूट पे गई और मैंने इस पर क्लिक किया, उसमें बहुत सारे कलर्स आ रहे थे जिनको देख के मेरा दिल तो चाह रहा था कि एक्सपेरिमेंट कर लूँ, लेकिन चूँकि ब्लैक मेरा फेवरेट 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 कलर है तो मैंने सोचा कि भाई ब्लैक पर ही स्टिक रहना चाहिए, इसलिए मैंने ब्लैक ऑर्डर किया। ऑर्डर करने से पहले मैंने नीचे मैं दिखा दूँ कि मैंने पहले से ही देखी हुई थी 2nd डे रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी वगैरह, तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा दी है, ठीक है। अच्छा, और इनकी जो मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो सब लिखी हुई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ ही चाहिए था, और ये वन साइज़ ही ड्रेस है, ठीक है, जो ये मैंने ऑर्डर किया था नाइट सूट, ये वन साइज़ ड्रेस है अभी, ठीक है। उसकी एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी वगैरह नीचे लिखी हुई हैं, हर चीज़ डिटेल में इन्होंने लिख के दी हुई, जो कि मैंने टेस्ट कर ली थी ऑलरेडी, जो कि मैं जिसको मैं 100 out of 100 दूंगी इन लोग के जो कस्टमर केयर है, ठीक है ना। खैर, मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया और फिर हम चले गए ऑर्डर की तरफ। तो ऑर्डर करने के लिए बस मुझे अभी मैंने कहा यार बस अभी पहले एक नाइट सूट मंगा के चेक करती हूँ, उसके बाद ही मंगाऊंगी अगर अच्छा लगा तो ना। तो मैंने यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली, ये मैंने ना कट कर दिया क्योंकि मैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। कट करने के बाद जब हम आगे जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के, तो फिर आपका आएगा ऑर्डर समरी, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे आगे पहुँच गई, ये मेरी ऑर्डर समरी 1800 रुपीज़ बनी। गिफ्ट कार्ड या कूपन मेरे पास था नहीं तो इसलिए हमने नॉर्मली ऑर्डर किया और ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। पैकेजिंग इस तरीके की, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई नाइट सूट या गाउन या कोई नाइटी वगैरह मंगाने, तो आपके बस ये ऑप्शन भी है कि आप इसको कवर्ड वाला जो है वो ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, वरना तो ये ट्रांसपेरेंट में ही आएगा। तो कपल हजरात ज़रा ध्यान रखें कि ऑर्डर करने से पहले आपको इनको करना होगा कि भाई हमें कवर्ड में ही चाहिए, ठीक है, नाइट सूट, वरना तो आपको ट्रांसपेरेंट में मिलेगा। अच्छा जी, अब ये अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग वगैरह सही थी, अच्छी थी और साफ़ सुथरी, और ये टैग भी लगा हुआ है जिसकी वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई हम इसको गिफ्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल नाइट सूट वगैरह बहुत ज़्यादा इन है। तो सबसे पहले अब हम जो है ट्राउज़र पे आ जाते हैं। अच्छा, ये मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो कलर था ना, ब्लैक कलर वॉज प्रिटी ब्लैक, वो जो एक गंदा सा ब्लैक कलर होता है ना वो बिल्कुल नहीं था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ब्लैक कलर। के अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाइट सूट में ना ब्लैक कलर ना थोड़ा डल ब्लैक सा आ जाता है, ये काफ़ी जेड ब्लैक था और इसके ऊपर आप रेड कलर का लोगो भी देख रहे होंगे तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ब्लैक है, ठीक है ना। मैं आपको अभी करीब से भी दिखाऊँगी। तो ट्राउज़र की लेंथ अच्छी खासी थी, आप अगर आपका यानी कद वगैरह छोटा है तो आप इसको आराम से ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के लिए बड़ा मसला हो जाता है अगर ट्राउज़र छोटा है तो, ठीक है। अच्छा, सिर्फ छोटा नहीं,
में मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना कि ट्राउज़र में आसन वगैरह सब चीज़ बड़ी थी, ठीक है ना, लूज़ थी, जो नाइट सूट का जो असल मकसद होता है ना वो चीज़ थी। आप ये देख सकते हैं ट्राउज़र में जगह भी अच्छी खासी थी और आसन भी अच्छा खासा बड़ा था, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इसमें, सही है ना। अच्छा, पैंचे वगैरह भी अच्छे थे और फॉल आप चेक, मुझे यार मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, जो कि ऑनेस्ट बात है पिछली दफ़ा जो मैंने ड्रेस ऑर्डर किया था ना उसका फैब्रिक इतना अच्छा नहीं था, इसका लव था फैब्रिक, ठीक है ना, बहुत अच्छा नरम नरम सा बिल्कुल फैब्रिक था, ऐसा था कि अगर मैं गर्मियों में भी यूज़ कर सकती हूँ और सर्दियों में भी यूज़ कर सकती हूँ, सर्दियों में आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्वेटर वगैरह पहनना पड़ेगा, सही है ना। और फॉल वगैरह अच्छी थी, ट्राउज़र का जो नीचे का पैंचा था वो अच्छा खासा ढीला था, बिल्कुल लूज़ था, यानी आप आराम से नाइट सूट फैमिली के सामने भी पहन सकते हैं। गला भी इसका बहुत छोटा सा था, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा नाइट सूट में बुरा लगता है कि वो इतना बड़ा बड़े गले आ जाते हैं ना कि बंदा पहन नहीं सकता हुई चीज़, ठीक है। एडजस्टेबल थे ट्राउज़र का, जो भी आप अपनी कमर के हिसाब से वेस्ट के हिसाब से आप उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल ये इसका फैब्रिक वगैरह और ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा, मुझे इसको थोड़ा सा ट्रिम करना होगा क्योंकि मेरा कद इतना लंबा नहीं है, ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात और सरप्राइज़ एक वो था मेरे लिए, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर जेब भी गिवन है, ठीक है ना, और मुझे नहीं पता था सच में, पहले मैंने इसको पहना और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा इसमें जेब गिवन है और काफ़ी गहरी जेब है, यानी आप आराम से अच्छा एक दो ना मोबाइल रख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि नाइट सूटों में ये बड़ा मसला होता है कि वो जेब ना होती नहीं है या वो शर्ट पर होती है तो वो लटक जाती है थोड़ी सी दिन में, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्राउज़र्स के अंदर जैसे जेब होती है वैसे ट्रैक सूट वगैरह में बिल्कुल वैसी जेब गिवन थी। ये देखें, दो मैंने आप एक रिमोट और एक मोबाइल रख के दिखाया और अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी जगह थी, ठीक है ना, मैंने रखा नहीं था कुछ भी लेकिन अभी भी अच्छी खासी जगह है ना, मैं जेब निकाल के भी दोबारा दिखा दूँगी। अच्छा, और एक जेब नहीं है, दो जेब हैं, ठीक है, एक ये यहाँ एक साइड पे जहाँ मैंने भी आपको डाल के दिखाया है, अभी मैं आपको दूसरी साइड पे भी डाल के दिखाती हूँ, ठीक है ना, और दूसरी साइड पे भी सेम यही यानी कि जेब है। तो ये तो प्लस फैक्टर हो गया था कि मुझे पता भी नहीं था बिल्कुल कि जेब है, मैंने तो बस कलर और एक अच्छा लाउंज वेयर टाइप देख के मंगाया था। तो आई थिंक 1800 में फ्री डिलीवरी और फिर उसके अंदर आप पॉकेट्स भी हैं और कंफर्टेबल कपड़ा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील, बहुत अच्छे मेरे 1800 रुपये सही, बिल्कुल सही खर्च हो गए, वर्थ इट। अच्छा, ये मैंने जेबें निकाल के अभी दिखा दिए ना कि जेबों में अच्छी खासी जगह है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टी शर्ट पर। सबसे पहले मैं आपको गला भी दिखा देती हूँ, ठीक है, जैसे मैं बोल रही थी ना कि मुझे गला बहुत अच्छा लगा कि भाई छोटा सा गला बना हुआ है। अच्छा, ये कार टैग लगा हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने दिखा दिया, सही है ना, इसको इग्नोर कर दें। बाकी इसके ऊपर इनकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपके आप इनकी वेबसाइट कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो गला देख लेते हैं सबसे पहले कि छोटा सा अच्छा सा गला है, इतना छोटा भी नहीं है कि आप बोलें कि फर्स्ट ट्राई, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जो नाइट सूट में आजकल बेसिक चल गया ना कि वो इतने बड़े बड़े गले होने लग गए, तो वो नहीं था, तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी, ठीक है। फिट मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे थोड़ा सा लूज़ ही चाहिए था तो ये थोड़ा सा लूज़ ही है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा लूज़ भी नहीं था, बस थोड़ा सा लूज़ था मुझे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार ये वन साइज़ मुझे लग रहा था, ऐसा ना हो कि फिट आ जाए, जैसे पिछली दफ़ा मेरा हुआ था कि आर्म होल ना थोड़ा सा छोटा आ गया था, तो इस वजह से मुझे था कि ऐसा ना हो जाए, लेकिन वन साइज़ वॉज सक्सेस, ठीक है, बहुत अच्छा मुझे ये आराम से आएगा लूज़। और ये गला आप देख सकते हैं, स्टिचिंग भी मैं अभी आपको उसकी दिखाती हूँ, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी। मैंने हाफ स्लीव्स मंगाए थे क्योंकि फुल स्लीव्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि एक नाइट सूट में मैं देखती हूँ, और वो है स्टिचिंग, ठीक है ना। स्टिचिंग इसकी काफ़ी अच्छी हुई हुई थी, गंदी ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी कर दी हो, अच्छी स्टिचिंग हुई हुई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी तमीज़ से, ठीक है, तमीज़ की स्टिचिंग हुई हुई थी बिल्कुल। नाइट सूट पहनने में आपको शर्म नहीं आएगी किसी के सामने, ठीक है, और 1800 रुपये में आई थिंक इट्स अ फेयर डील, इट्स वेरी फेयर डील विथ फ्री डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस, वरना तो आजकल छोटी छोटी दुकान वाले भी 250 रुपये डिलीवरी चार्ज कर लेते हैं, मुझे उस पर बड़ा इख्तलाफ है, ठीक है, लेकिन खैर इन्होंने 1800 रुपये में विद डिलीवरी ये नाइट सूट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बुरा नहीं था, मेरा बिल्कुल ये ऑनेस्ट रिव्यू है क्योंकि मुझे इसका कपड़ा भी अच्छा लगा, स्टिचिंग भी अच्छी थी और डिलीवरी सर्विस भी फ्री थी आपके पास, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात कि अगर गलत आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे आपका कोई साइज़ गलत आ जाता है या आपको फैब्रिक पसंद नहीं आ रहा कुछ भी, तो 7 डे रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी इनकी के नो क्वेश्चन पॉलिसी, आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप ये वापस नहीं कर सकते या कोई मसला नहीं है तो आप क्यों वापस करें। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप 7 डेज़ के अंदर अंदर फ़ौरन वापस कर दें, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, मुझे ये नाइट सूट बहुत पसंद आया, बहुत कम्फी, बहुत अच्छा, ये जर्सी फैब्रिक है, ठीक है, जर्सी फैब्रिक है, मैंने कहा बता दूँ, तो मुझे तो ये अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस चकोर नाइट सूट वालों के साथ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ना जो ये जो रिटर्न और एक्सचेंज वाले मसले होते हैं ना, उसमें सब लोग ना अपनी औकात दिखा देते हैं, लिटरली बिल्कुल ना बदल जाते हैं, शक्ल पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि कस्टमर केयर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करी, जबकि मैंने इनको कुछ बताया हुआ नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे या कुछ भी इस तरीके का। तो जी ये मेरा छोटा सा रिव्यू था चकोर्स नाइट सूट के ऊपर, उनका बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ऑनेस्ट इनका रिटर्न एक्सचेंज का वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपकी हेल्प होगी अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं इनकी वेबसाइट से, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी हेल्प हुई हो किसी भी तरीके से इस प्रोडक्ट को बाय करने में, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट किस चीज़ का, किस प्रोडक्ट का रिव्यू करूं, ठीक है जी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।